देसी कोरोना वैक्सीन को वैक्सीन के आखिरी दौर का ट्रायल अगले महीने शुरू हो सकता है। भारत बायोटेक को ड्रग रेगुलेटर से फेज 3 ट्रायल की अनुमति मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI के एक्सपर्ट कमेटी की मंगलवार को मीटिंग हुई थी। इसी में वैक्सीन के आखिरी ट्रायल का अप्रूवल दिया गया। DCGI ने प्रोटोकॉल में थोड़ा संशोधन किया है। भारत में वैक्सीन के ट्रायल में 25,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। उन्हें 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की डोज दी जाएगी। शुरुआती ट्रायल में वैक्सीन के नतीजों ने उम्मीद जगाई है। कोवैक्सीन पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत बायोटेक ने पहले और दूसरे फेज के ट्रायल के डाटा के साथ एनिमल चैलेंज डेटा पेश किया। सारा डाटा देखकर हुई चर्चा के बाद मंजूरी दी गई है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 2 अक्टूबर को DCGI को आवेदन देकर अपने टीके के तीसरे चरण के लिए परीक्षण की अनुमति मांगी थी। कंपनी ने अपने आवेदन में कहा कि इस रिसर्च में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 28,500 लोगों को शामिल किया जाएगा और ये परीक्षण 10 राज्यों के 19 स्थानों पर किया जाएगा। भारत बायोटेक का प्लान है कि कोवैक्सीन का आखिरी ट्रायल दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में किया जाए। कंपनी फरवरी तक फाइनल ट्रायल के रिजल्ट्स आने की उम्मीद कर रही है। उसके बाद अप्रूवल और मार्केटिंग की परमिशन के लिए अप्लाई किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बायोटेक ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन में अलहाइड्रोक्सियम 2 नाम का अंजुवन जोड़ा है। ये वैक्सीन के इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करेगा और उसे लंबे वक्त तक कोरोना से सुरक्षा मिलेगी। अंजुवन एक ऐसा एजेंट होता है जिसे मिलाने पर वैक्सीन की क्षमता बढ़ जाती है। इसे टीके लगने के बाद शरीर में ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है और लंबे वक्त तक इम्यूनिटी मिलती है। कोवैक्सीन के अलावा भारत में 2 और कोरोना टीकों का ट्रायल चल रहा है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।